Comrades, आज जो हम बात मैं जो बात करने वाला हूँ खास करके UAPA जिसके रिपील की हम बात कर रहे हैं, हमारे ये भी है डिमांड भी है कि UAPA को रिपील किया जाए। तो क्यों ये डिमांड किए है हमने, क्या कर रहा है, क्या करता है UAPA जिसकी वजह से हम डिमांड कर रहे हैं कि इसे रिपील किया जाए, उसकी मैं थोड़ी पहले बात रखना चाहूँगा। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब वो कानून ज्यादा करके इसलिए लाए जाते हैं कि लोगों को जेल में बिना चार्ज भी बताए महीनों तक सालों तक रख सके, क्योंकि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में अगर आप जाएं किसी को पकड़ दिया है तो वो बेल मांग सकता है, एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है। लेकिन ये UAPA का एक मुख्य मुद्दा ये है कि एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा हो जाता है, इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो हिस्ट्री है वो भी जरा थोड़ी समझनी जरूरी है, क्योंकि पहली बार भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि बिना कोई चार्ज लगाए, बिना किसी को गुनहगार साबित किए आप जेल में रख सकते हैं, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है, वो सबसे पहले 1812 में ब्रिटिशर्स ने लाए, तभी बंगाल में लाए। बंगाल यानी तब का बंगाल बहुत बड़ा था, अभी का जो वेस्ट बंगाल है वो नहीं, वो बहुत बड़ा पूरा ईस्टर्न जोन कवर करता था, ये 1812 में लाए। उसके बाद 1870 में सिडिशन का कानून लाए, जिस कानून के जो कानून अभी भी चालू है जिसके अंदर बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। 1915 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुई तब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाए, जिसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात रखी गई थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हो गया, खत्म हो गई, उसके बाद उसे चालू रखने के लिए जो कानून लाए उसका नाम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1919, जिसको हम जानते हैं रोलेट एक्ट के नाम से, रोलेट एक्ट जिसको बोलते हैं, 1919 में वो रोलेट एक्ट लाया गया, जिसमें ऐसा कहा था कि दो साल तक आप किसी को भी डिटेन कर सकते हैं सस्पिशन के आधार से कि वो कोई गुनाह किया है या करने वाला है। ये रोलेट एक्ट जब लाया गया तभी बहुत उसका प्रोटेस्ट हुआ था, तभी कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट काफ़ी किया था और ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया और अप्रैल 1919 में उसका प्रोटेस्ट करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी पंजाब में, जो मीटिंग बुलाई थी जलियांवाला बाग में। तो अप्रैल 19 में यानी एक महीने के अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जलियांवाला बाग में उसका प्रोटेस्ट हुआ, और तब वो जलियांवाला बाग का जो पूरा हत्याकांड हुआ था वो इसलिए हुआ था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ऐसे कानून के खिलाफ जिसमें आप डिटेन कर सकते हैं लोगों को। और तभी स्लोगन लोगों का ये था कि ये कानून क्या है, तो उसके तीन फ्रेजेस में स्लोगन था, वो फ्रेज ऐसा था कि नो दलील नो वकील नो अपील, कि ये कानून को इस तरह से इसका चैलेंज किया गया था कि आप हाँ है अपील कर सकते हैं वकील कर सकते हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, कि नो दलील नो वकील नो अपील ऐसा इसको। और आज आप UAPA को देखें तो वही एक तरह से हालत हो गई है कि नो दलील नो वकील नो अपील। तो ये 1919 में लाया गया जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उसके बाद में 1922 में ये रोलेट एक्ट को वापस देना पड़ा उनको, बहुत प्रोटेस्ट हुए ज़्यादा बाद में तो रोलेट एक्ट को वापस देना पड़ा। और जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था तब दो चीज़ें हुई थी, वो हमको आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको उसके पहले यानी 1919 के पहले
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड दिया था, नाइटहुड यानी सर सर रविंद्रनाथ टैगोर, और गांधी जी को कैजरे हिंद का खिताब दिया था पहले 1990 साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए। तो ये दोनों ने ये खिताब वापस किए, तो ये जो अवार्ड वापसी की बात है वो आज की नहीं है, वो तब से चली आई। तो वो दोनों ने एक नाइटहुड एक तो वापस किया रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि बोला कि मुझे नहीं चाहिए आपका नाइटहुड, और गांधी ने ये वापस किया कैजरे हिंद। तो ये बाद में 1922 में ये विड्रॉ हो गया एक्ट। उसके बाद में 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वापस आया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो रही थी, उसमें वापस प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आई। बाद में तो इंडिपेंडेंस आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया। अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के अंदर कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो मूलभूत अधिकार का जो चैप्टर है उसमें लिखा है कि आप ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया 1951 में, जिसमें आप एक साल तक लोगों को अंदर रख सकते थे, लेकिन उसमें सनसेट क्लॉज था कि एक साल के बाद ये एक्ट चला जाएगा, लेकिन ये बढ़ाया गया और 1969 में फाइनली ये विड्रॉ किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट। 69 में विड्रॉ किया, 71 में मीसा आ गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इमरजेंसी के बाद उसका बहुत मिसयूज हुआ, तो इमरजेंसी के बाद मीसा को विड्रॉ किया 78 में, मीसा को विड्रॉ किया 1980 में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया जो आज तक चालू है, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं। उस दरमियान ये सब होते हुए बीच में दो कानून आ गए, एक तो अफ्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो आजकल खास करके कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में लागू किया गया है, और दूसरा 1967 में UAPA लाया गया। तब जब लाया गया था तब उसका क्या वो क्यों लाया गया था कि कुछ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको बैन कर सकते हैं, वो मकसद था 67 में जब लाया गया था, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हम अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो क्यों डिक्लेयर कर सकते हैं, अगर वो सीसेशन की बात, तब दो चीजें हो रही थी, एक तो इंडिया इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, और दूसरा डीएमके ने डिमांड रखा था नीचे का कि तमिलनाडु शुड सीसीड फ्रॉम इंडिया। तो तभी ये UAPA लाया गया 1967 में, लेकिन तब वो एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं था, तभी वो सिर्फ लॉ था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए। उसके बाद ये सब हुआ 1980 में एनएसए आया, फिर 1985 में टाडा आया, उसमें भी सनसेट क्लॉज था कि भाई दो साल के बाद तीन साल के बाद खत्म हो जाएगा टाडा, एक इमरजेंट सिचुएशन है उसको डील करने के लिए हम टाडा लाए हैं, दो साल के बाद खत्म हो जाएगा, तीन साल के बाद। फाइनली 1995 में बहुत प्रोटेस्ट हुए टाडा के खिलाफ, उसका मिसयूज भी बहुत हुआ, तो 1995 में टाडा को रिन्यू नहीं किया गया, यानी टाडा लैप्स हो गया। उसके बाद 2002 में पोटो लाया गया, और 2003 में पोटा आया। बेसिक आर्ग्यूमेंट ये था कि हम टेररिस्ट एक्ट को अटैक टेररिस्ट एक्ट को रोकने के लिए हम ये पोटो लाते हैं, पोटा लाए हैं। पोटा के खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्ट हुए, काफी प्रोटेस्ट, उसका मिसयूज बहुत हुआ, काफी प्रोटेस्ट हुए, और 2004 में पोटा को विड्रॉ किया, वो सनसेट क्लॉज में चला गया, उसमें भी सनसेट क्लॉज था। उसके बाद पोटा का तो विड्रॉ किया, पोटा तो खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद पोटा के जो भी जिसको हम ड्रेकोनियन मेजर्स कहते हैं, वो मेजर्स UAPA को अमेंड करके, UAPA जैसे मतलब मैंने बताया 67 में वो सिर्फ एक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के लिए लाया गया था, लेकिन अभी वो सब पूरा अमेंड करके, पूरा चेंज करके UAPA को, उसमें बदलाव लाए गए 2004 में लाए गए, 2008 में, 2009 में, 2012 में लाए गए।
और यूएपीए जो आज की परिस्थिति में यूएपीए है वो लाया गया। अभी इसमें तीन चार बातें, चार पांच यानी काफी बातें हैं, करीबन 12-15 बातें हैं यूएपीए की जो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो गैर कानूनी है, गैर संविधान के विरुद्ध है। लेकिन मैं तीन चार ही बातें रखूंगा आपके सामने। पहली बात तो यह है कि आप को जब इस पे पकड़ा जाता है तो जो नॉर्मली किसी को भी पकड़ा जाता है कोई भी कानून के अंदर, कोई भी आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर, तो 15 दिन के लिए आपको अंदर रख सकते हैं पुलिस कस्टडी में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लिखा गया कि 30 दिन तक रख सकते हैं। तो पुलिस का टॉर्चर 30 दिन तक परमिटेड है, बाकी में 15 दिन तक परमिटेड है। उसके बाद जो चार्जशीट है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, 180 दिन तक आप ले सकते हैं चार्जशीट फाइल करने को, यानी 180 दिन तक आपको बताया भी नहीं जाएगा कि चार्ज क्या है आपके खिलाफ, 180 दिन तक। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, कोई भी और कानून में, यानी इंडियन पिनल कोड आप खास करके देखिए जिसमें आप जिसमें ये सब चीजों के लिए पकड़ा जाता है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल मांग सकते हैं कि भाई मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे बेल दीजिए, मैंने कुछ गुनाह किया नहीं है, या मैं कहाँ भागने वाला नहीं हूँ, मुझे एंटीसिपेटरी बेल दीजिए। यूएपीए में लिखा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल किसको भी नहीं मिल सकती, यानी एक बार मैंने आपके ऊपर थोपा चार्ज तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जेल में जाना ही पड़ेगा या पुलिस कस्टडी में जाना ही पड़ेगा, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। चौथी बात, बेल की बात। जब बेल की बात आप जब नॉर्मली जो होता है कि बेल में आप देखते हैं, जब कोर्ट देखती है कि ये भागने वाला है कहाँ, एक या कोई विटनेसेस को ये टेम्पर करने वाला है एविडेंस को, वो सब देखता है जज और बेल देते हैं। मर्डर केस में भी बेल होती है, तो ऐसा नहीं है कि तो बेल होती है अगर आप दिखा सकते हैं कि एक मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं या तो पासपोर्ट डिपॉजिट करने को बोलते हैं वगैरह, तो और बेल मिल जाती है। यूएपीए में लिखा है कि कोर्ट को ऐसा कहना, ये नतीजे पे अगर कोर्ट ये नतीजे पे पहुंचती है कि पुलिस डायरी में जो लिखा है उससे लगता है कि गुनाह हुआ है, ये इस व्यक्ति से लगता है कि इस व्यक्ति ने गुनाह किया है, तो इसको आप बेल नहीं देंगे। यानी अभी पुलिस डायरी में तो कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम देख रहे हैं पांच लोगों के बारे में, पुलिस डायरी में तो लिखा है कि ये लेटर है, वो लेटर है, कुछ हजार 5,000 लेटर है, पता नहीं मुझे, तो पुलिस डायरी में तो कुछ भी लिखते हैं, तो पुलिस डायरी के हिसाब से अगर कोर्ट को लगता है कि इस आदमी ने गुनाह किया है, और अगर पुलिस डायरी पढ़े तो आपको लगेगा कि गुनाह किया है, तो आप इस व्यक्ति को बेल नहीं देंगे। ये एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, बेल बहुत ही मुश्किल हो जाती है मिलने की, बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पुलिस कस्टडी लंबी हो जाती है, चार्जशीट के लिए बहुत लंबा टाइम मिल जाता है, तो आप अल्टीमेटली जेल के अंदर या पुलिस कस्टडी के अंदर बहुत टाइम तक, और यही इसका मकसद है। आप अगर देखें, आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखें इसके कोटा के, तो 75% यूएपीए के, तो लास्ट 3 साल में 75% लोगों जो जिनको यूएपीए में पकड़ा गया था और जिनके ट्रायल खत्म हुए, वैसे 75% लोग एक्विट हो गए हैं। 75 लोगों को कोर्ट ने बोला 5, 6, 7, 8 साल रहने के बाद जेल में कि ये इसके ऊपर कुछ गुनाह नहीं बनता, ये गलत है, उसको छोड़ दो, 75%। लेकिन आज भी लास्ट 3 साल में 2,700 लोगों के ऊपर यूएपीए थोपा गया है, और ये सब लोग जेल में रहेंगे बहुत टाइम तक। हमारे यहां ही प्रेजेंट है कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे जो जेल में बहुत लंबे टाइम तक रह के आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 75% एक्विट होते हैं, लेकिन 2,700 केसेस हैं जो अभी पेंडिंग है, जिसमें लोग दलित, मुस्लिम, वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, सारे देश में कई जगह पर जेल में डाले गए हैं।
हैं आदिवासी जेल में डाले गए और वो जेल में कितने साल तक रहेंगे वो पता नहीं। पोटा अगर आप देखें तो पोटा में एक ऐसा कानून, पोटा के कानून में एक ऐसा लिखा गया था कि अगर जज ये नतीजे पे पहुंचती है कि पुलिस ने रॉन्गली किसी को अरेस्ट किया है, जानबूझ के किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया है ये पोटा के अंदर, तो वो पुलिस के ऊपर जज बोल सकता है एक्शन लो। और ऐसे नतीजे पे पहुंचती है तो जज बोल सकता है कि जिस व्यक्ति को गलती से आपने अरेस्ट किया है उसको कॉम्पेंसेशन दो। ये पोटा के अंदर था, लेकिन ये जब अमेंड किया यूएपीए तब ये जो बात है वो यूएपीए में से निकाल दी गई है। यानी जज ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि पुलिस ने जानबूझ के किसको गलत तरीके से अरेस्ट किया है तो भी वो पुलिस के ऊपर कार्रवाई के ऑर्डर नहीं दे सकती है, तो भी वो कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकती जो 6 साल 8 साल 10 साल के बाद छूटेगा। तो ये रही, ये मैंने बहुत एक कम इसमें बताया कि क्या हो सकता है, लेकिन और एक बात जाननी जरूरी है कि जब वो बैन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि यूएपीए में क्या होता है कि एक लिस्ट होता है कि बैन करते हैं, तो बैन करते हैं तो वो लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आप बैन हो गए, बराबर है। तो वो लिस्ट में क्या होता है कि समझो लिखा हुआ होता है कि लिखा हुआ है लिस्ट में, यूएपीए के लिस्ट में ऐसा लिखा है कि जो समझो एक एग्जांपल देता हूं मैं कि सीपीआई माओइस्ट इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीआई माओइस्ट इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ इट्स एसोसिएट एंड फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। कौन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कौन एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं लिखते हैं, अलोंग विद इट्स एसोसिएट एंड फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो कल ही सीपीडीआर के ट्रेजरर यहां बैठे हैं, उनको नोटिस आया पुलिस से ये बीमा कोरेगांव केस में कि हमें ऐसा लगता है कि सीपीडीआर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआई माओइस्ट का, यानी कि बैंड, यानी आप भी बैन है, तो इसलिए आप हमको जवाब देने के लिए पुणे आइए, जवाबदेही के लिए पुणे आइए, ऐसा एक कल ही लेटर आया। तो ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अदर एसोसिएशन जो इतना वेग है जिसका कोई डेफिनेशन दे नहीं सकता है, जिसका कोई डेफिनेशन है नहीं, जिसका कोई कोई उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसका कोई लिस्ट नहीं है कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन ये फ्रंटल है, कुछ नहीं है। तो आप कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ कल उठ के बोल सकते कि आप फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप यहाँ के जो 34 के 34 ऑर्गेनाइजेशन या 40 ऑर्गेनाइजेशन जो साथ में मिलके आए हैं उसमें किसी को भी बोल सकते कि आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चलो अंदर 6-7 साल के बाद देखेंगे आप थे कि नहीं, तब तक जेल में रहो। तो ये वजह से हमारा कहना है कि ये जो पूरा कानून है यूएपीए कानून जिसके अंदर ये लोग को गिरफ्तार किया गया है 5-10 लोग को और बाकी कई लोगों को जैसे कि वर्कर्स को रिलायंस के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। उनको हमारा कहना ऐसा है कि यूएपीए जो कानून है उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, उसका यूज ही यही है कि लोगों को अंदर रख के बहुत सालों तक, वो मिसयूज नहीं है, उसका यूज है, उसके लिए ही लाया गया है। उसमें से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक उसमें से एक शब्द बदल दो या दो शब्द बदल दो, उसको अमेंड कर दो, ऐसा नहीं है। ये कानून पूरे का पूरा जाना चाहिए, ये पूरे का पूरा कानून को हटाना चाहिए, क्योंकि ये कानून रहेगा जब तक तब तक उसका ये यूज होते ही रहेगा। और ये यूज डिसेंट लोगों की आवाज रोकने के लिए किया जाएगा। आप देखिए जहां भी किया गया है इसका उपयोग लोगों की आवाज रोकने के लिए किया गया है, चाहे वो तमिलनाडु में किया गया हो, चाहे वो मणिपुर में किया गया हो, चाहे वो आंध्र में महाराष्ट्र में जहां भी देखें आप, इसका जो यूज है वो इसके लिए किया गया है। अभी आप देखिए एक बात कि ये जो 9 या 10 लोग को पकड़ा गया है, कुछ लोग हाउस अरेस्ट में है, कुछ लोग जेल के अंदर है, आज भी उनका बेल का एप्लीकेशन चालू है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन बेल का एप्लीकेशन आर्ग्यू हो रहा है। उनके ऊपर आरोप क्या है? उनके आरोप इतना ही है कि कुछ हमको लेटर्स मिले हैं कंप्यूटर से
जिसमें आपके नाम, जिसमें एक तो आप नरेंद्र मोदी को मारने वाले थे, दूसरे कि आप फंड कर रहे हैं, तीसरे कि आप ये लोग को हेल्प कर रहे हैं अलग अलग तरह से, आप आर्मामेंट्स खरीद रहे हैं, ये सब बातें लिखी है उसमें, लेटर्स इतना ही है उनके पास प्रूफ के, लेटर्स है हमारे पास, हमको लेटर मिले हैं। अभी पहली बात तो ये कि लेटर जेन्युइन है कि नहीं, वो अभी तक तय नहीं हुआ है, यानी तय यानी मैं आप कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो लेटर्स होते हैं वो जो कंप्यूटर से आप निकालते हैं वो लेबोरेटरी में भेजने पड़ते हैं, अभी तक लेबोरेटरी ने बोला नहीं है कि ये सच है, उनकी खुद की लेबोरेटरी ने बोला नहीं, वो बोलेगी तो भी गलत होगा, लेकिन बोला ही अभी तक तो वो भी नहीं बोला है कि ये सचमुच ये लेटर्स मिले हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि आज जो प्रूफ है जो, ये कोई भी फैब्रिकेट कर सकता है, कोई भी ला सकता है, आज मेरे हमारा हम लोग यहाँ बैठे सब लोग के ऊपर कोई भी निकाल सकता है कि आपके पास आपको लिखा हुआ लेटर आपके पास से नहीं मिला, किसी और के पास से कंप्यूटर पे हमने मिला, ईमेल में नहीं मिला, कंप्यूटर में स्टोर करके रखा था वो मिला, और उस आधार से हम आपको अंदर एक साल दो साल छह साल तक तो रखेंगे। तो इनके जो बेल की जो लड़ाई है, इनके जो छूटने की लड़ाई है, वो तो जारी रहेगी और वो तो रहनी चाहिए, क्योंकि उनको हमारी डिमांड है कि उनको इमीजिएटली छोड़ दो, ये पूरे गलत इल्जामात है, उनको पूरे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वो एक तो डिमांड है ही, लेकिन साथ में जब तक UAPA रहेगा तब तक इस तरह के केसेस आते ही रहेंगे लोगों के ऊपर, और इसलिए जब तक UAPA रहेगा तब तक हमें UAPA के को निकालने के लिए उसको एबॉलिश करने, क्योंकि UAPA में जो भी गुने बताए हैं, या तो बॉम्ब करने का या तो टेररिस्ट एक्टिविटी, वो सब इंडियन पिनल कोड में ऑलरेडी गुने हैं, वो ऐसा नहीं है कि UAPA में नहीं होते तो आप छुप जाएंगे अगर किसी ने किया गुना, तो वो सब इंडियन पिनल कोड के अंदर अपने जो दंड संहिता है उसके अंदर ये सभी को गुना माने गए। तो ये स्पेशल कानून की कोई जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को जेल में रख के लंबे टाइम तक बिना प्रूफ किए कि इस व्यक्ति ने कुछ भी किया है। तो यही वजह, इससे UAPA को निकाल देना बहुत जरूरी है। अभी दूसरी एक छोटी बात मैं रखना चाहता हूँ कि बीमा कोरेगांव में जो हुआ वो सबको पता है, उसके बाद केसेस भी चालू है उसके बारे में, लेकिन उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन भी बिठाया है, जस्टिस पटेल कमीशन, वो पटेल कमीशन में कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जरूरत है हमें कि पटेल कमीशन के अंदर हमारा पूरा जोर डाल के उसमें हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि क्या है वहां पटेल कमीशन में पूरा जो स्टेट का माहौल है, राज्य का माहौल है, वो यही दिखाना चाहता है कि हिंदू राइट विंग जो है, सनातन संस्था वगैरह या उनके जो पिल्लू संस्थाएं जो है, वो लोग ने कुछ नहीं किया, नक्सलाइट्स और दलितों ने मिलकर ये अटैक किया, और उनका पूरा प्लान था, उनका पूरा ये था, और उन्होंने पूरा ये किया है, और ये प्रूव करने की वहां कोशिश हो रही है। तो हमें उसके खिलाफ लड़ने की जहां हो सकता है कि पटेल कमीशन कितना हमें न्याय देगा वो अलग बात है, लेकिन जहां हमें स्पेस मिलता है, जैसे कि ये स्पेस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ का स्पेस, उसी तरह का जहां स्पेस मिलता है वहां वहां हमें वो स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे कितनी भी हमें हमारे पास कम जगह हो, लेकिन उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। इसलिए हम लोग मिले थे, दो तीन बार हमारी मीटिंगें हुई है कि किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाए, लेकिन उसके लिए वॉलंटियर्स, लॉयर्स और नॉन लॉयर्स दोनों की काफ़ी ज़रूरत है। तो जो लोग आ सकते हैं उसके लिए, जो लोग उसके वॉलंटियर कर सकते हैं, वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये कमीशन बहुत जल्दी आगे बढ़ता जा रहा है और हमें उसमें इंटरव्यू करने की ज़रूरत है। तो बस इतना ही बोल के मैं अपनी बात रखूँगा। थैंक यू वेरी मच।